दोस्तों, क्या आप विंडोज़ यूज़र्स हैं? आपने विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर दिया है अपने पीसी में, तो उसके बाद क्या करना होगा मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। मैं हूं दिव्यांग और देखते रहिए इस वीडियो को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलते रहे। सबसे पहली चीज़ आपको करनी रहेगी विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के बाद, वो है विंडोज़ अपडेट। ज़रूरी नहीं कि आपका जो विंडोज़ होता है वो लेटेस्ट अपडेट के साथ आता हो, यानी कि आपने अगर विंडोज़ इंस्टॉल कर दिया है तो उसके बाद आपको अपडेट करना ज़रूरी रहता है। विंडोज़ अपडेट करने से क्या होता है? सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती है। उसके अलावा विंडोज़ के कुछ एरर्स होते हैं या फिर कुछ बग्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। उसके साथ साथ विंडोज़ का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो विंडोज़ अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए जाना पड़ेगा विंडोज़ के सेटिंग्स में। विंडोज़ सेटिंग्स में जाने के लिए आपको ये जो विंडोज़ का बटन है उसको प्रेस करना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। वहाँ पर जो सबसे लास्ट ऑप्शन है अपडेट एंड सिक्योरिटी, उसको जाके प्रेस करना है। और वहाँ पर एक ऑप्शन दिया है विंडोज़ अपडेट का, यहाँ से आप अपनी विंडोज़ को अपडेट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ आपको करनी चाहिए विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के बाद, वो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो आपके पीसी के अंदर कोई टाइप के वायरसेस या मैलवेयर नहीं आते। उसके साथ साथ आपके पीसी को ये हर तरफ से प्रोटेक्ट करेगा। आपको कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं आप कर सकते हैं। क्विक हील है, एवास्ट है, बिट डिफेंडर है और भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आपको जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पसंद हो वो आप खरीद सकते हैं। जो अगली चीज़ आपको करनी चाहिए विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के बाद, वो है इंस्टॉल करना ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर को। ये जो ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपके पीसी में कहीं सारे चेंजेस आ सकते हैं। ये जो ड्राइवर्स है इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है ताकि जो हार्डवेयर होता है वो विंडोज़ के साथ कंपैटिबल रहे। जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया या फिर ग्राफिक्स ड्राइवर हो गया, ये सारी चीज़ें कंपैटिबल होना ज़रूरी है विंडोज़ के साथ। इसके लिए ड्राइवर्स डालना ज़रूरी है। तो ड्राइवर्स को अपडेट करना है तो उसके लिए जाना पड़ेगा डिवाइस मैनेजर के अंदर। डिवाइस मैनेजर में कैसे जाते हैं? विंडोज़ का जो बटन है उसको राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन दिया है, उसको जाके बस प्रेस कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है इस पीसी के अंदर, वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप माउस पैड का ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं, ब्लूटूथ का ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं या फिर वाईफाई या किसी यूएसबी डिवाइस का। अगर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर नज़र आता है, इसका मतलब ये है कि वो जो डिवाइस है वो कंपैटिबल नहीं है विंडोज़ 10 के साथ। उसके लिए अपडेट करना पड़ेगा उसका ड्राइवर। ड्राइवर अपडेट करने के लिए उस पर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और जहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिया होगा यहाँ से आप ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के बाद, वो है स्टार्टअप ऐप्स को चेंज करना और डिफ़ॉल्ट ऐप्स को भी। स्टार्टअप ऐप्स को चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो पीसी है वो पहले से और भी बेहतर चलेगा। उसके साथ साथ जो बूट टाइम है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट ऐप से आपको ये भी फ़ायदा होगा कि जो फाइल्स होती है आपको किस ऐप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करनी है वो आप चेंज कर पाएंगे। स्टार्टअप ऐप्स जो होती है वो ज़्यादातर विंडोज़ बूट होने के टाइम शुरू हो जाती है और आपका पीसी स्लो कर देती है, तो उसको डिसेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा विंडोज़ में, उसके बाद सेटिंग्स में, और यहाँ पर ऐप्स दिया है उसको जस्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टअप ऐप्स, यहाँ पर जितने भी ऐप्स जो अपने आप चालू हो रहे हैं उसको यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप्स का भी एक ऑप्शन दिया है। डिफ़ॉल्ट ऐप से क्या होता है कि जो भी ऐप्स बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर विंडोज़ मीडिया प्लेयर नहीं पसंद है, आपको VLC प्लेयर में गाने प्ले करने हैं या फिर वीडियोस प्ले करने हैं, तो यहाँ से आप वो डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज कर पाएंगे।
जो आखिर चीज़ मैं बताऊंगा विंडोज 10 इंस्टॉल करने के बाद क्या करना होगा कि आपका जो पावर प्लान सेटिंग है उसको चेंज करिए। पावर प्लान सेटिंग्स को चेंज करने से आपका जो पीसी का परफॉर्मेंस है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ जो होता है वो बैलेंस पावर प्लान पे चलाता है। आपको सिर्फ ये करना है कि जो हाई परफॉर्मेंस पावर प्लान है उसको जाके सिलेक्ट करना है। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पावर प्लान सेटिंग्स चेंज करना है उसके लिए क्या करना होगा, टास्क बार के ऊपर एक बैटरी का आइकन है उसको जाके राइट क्लिक कर दीजिए और फिर आपको यहाँ पर पावर प्लान के ऑप्शंस नज़र आएंगे। उसमें से आप हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर दीजिए जिससे आपका पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो हो सकता है और भी बेहतर। इस लैपटॉप के अंदर वो ऑप्शंस अभी तो नज़र नहीं आ रहे लेकिन आपके लैपटॉप में या फिर आपके पीसी के अंदर वो ऑप्शंस ज़रूर दिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ जो पावर प्लान का सेटिंग रखता है वो बैलेंस्ड पे रखता है। आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए हाई परफॉर्मेंस का पावर प्लान सेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़र है और आपको बैटरी सेव करनी है तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया होगा पावर सेविंग का। ये पावर सेविंग का ऑप्शन है, उससे आप लैपटॉप की बैटरी जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये थी कुछ 5 ऐसी चीज़ें जो मेरे ख्याल से आपको करनी चाहिए विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के बाद। अगर इसके अलावा आपको कुछ मालूम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब बटन को दबाते जाइए। मैं हूँ दिव्यांग, मिलते हैं अगले वीडियो में।